हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग फिल्मों का तुलना करना सीखेंगे, यानी कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 6x8 और 3x6 है। ठीक है, दो भिन्न हमारे दिए हुए हैं, तो हमें बताना है दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो हमारे हर हैं यानी 8 और 6, इनका हमें एलसीएम करना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब हमें 6x8 है, तो इसका देखिए हर में अभी 8 है, हमें क्या करना है, इसको 24 लाना है। यहाँ पे नीचे इसका जो एलसीएम आया है, हमको हर में उतना ही लाना है जो उसका एलसीएम होगा, यानी एलसीएम 24 है, तो हमें उसके हर में 24 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 6x8 है, 8 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिले। तो देखिए 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 24 मिल जाएंगे, और चूंकि हम लोगों ने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 18, और यहाँ पे 24 हमें मिल गए हैं। उसी तरह से हमें 3x6 को भी वैसे ही करना है, 3x6 है। अब 6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिले, तो किससे करेंगे हम लोग, 4 से। नीचे 4 से किया तो ऊपर भी हमें 4 से ही करना है। अब कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर, ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे 18x24 है और 12x24 है। हमें पता है कि जब भिन्न समान हो, मतलब कि दोनों का हर जब इक्वल हो, तो ऊपर जिसका डिजिट बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होता है। इसका मतलब 18x24 हमारा बड़ा हो जाएगा, और 18x24 किसकी वैल्यू थी, 6x8 की, यानी 6x8 जो है वो बड़ी है 3x6 से। तो इस तरह से हम लोग दो भिन्न का तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे करते हैं। ठीक है, आरोही क्रम जानेंगे हम लोग भिन्न का कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 7x15, 8x9 और 3x5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, इसको आपको आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, ऐसे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले 15, 9 और 5, ये तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा हमें, 15, 9, 5 का। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 45। तो इसका मतलब कि हमें हर में सब जगह 45 लाना है। तो 7x15 है सबसे पहला, इसको हम लोग हर में 45 लाना है। तो इसको किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 3 से करेंगे हम लोग, ऊपर भी 3 से करेंगे, ये कितने हो जाएंगे 21, और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 45। फिर है 8x9, तो 8x9 को हम लोग 5 से करेंगे, ऊपर भी 5 से करेंगे, कितने हो जाएंगे 40x45। फिर हम लोग 3x5 है, 3x5 इसको 9 से करेंगे, और इसको भी 9 से करेंगे, 27 यहाँ पे हो जाएंगे 45। अब यहाँ पे देखिए 21x45 और 40x45 और फिर 27x45। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समान सबका हर है, तो ऊपर जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 40x45 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 27x45 बड़ा होगा, उसके बाद 25, यानी ये सबसे छोटा हो गया। 21x45 सबसे छोटा है, और 21x45 किसकी वैल्यू थी, ये थी 7x15 की। उसके बाद क्या हो जाएगा, 27x45, तो 27x45 किसकी वैल्यू है, तो 3x5 की, और उसके बाद फिर है हमारा 40x45, ये किसमें मिला था हमें, तो 8x9। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया। इस तरह से हम लोग इसका अवरोही क्रम भी बना सकते हैं। सिर्फ अवरोही क्रम के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें बड़े से छोटे की ओर जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भिन्न का जोड़ और घटाव जानेंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़ देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2x3+5x6, ये हमारा क्वेश्चन है। इनका हमें भिन्न का जोड़ करना है, दो भिन्न दिए हैं, इनको जोड़ना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, 3 और 6 का हमें एलसीएम लेना है, कितने हो जाएंगे ये 6 हो जाएंगे हमारे। अब
थ्री से सिक्स को हमें डिवाइड करना, कितने हो जाएंगे, टू होंगे, और फिर जो रिजल्ट आता है डिवाइड करके उनको ऊपर यानी कि अंश से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी थ्री को सिक्स से डिवाइड किया तो टू आया, और फिर उसी टू को ऊपर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू इंटू टू फोर हो जाएंगे। बीच में प्लस का यहाँ पे चिन्ह है तो हम भी प्लस देंगे, सिक्स सिक्स को डिवाइड करेंगे वन होंगे, वन को फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव ही हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए, फोर और फाइव को प्लस कर देंगे, नाइन बाय सिक्स है इसको, आप देखिए नाइन बाय सिक्स है, ये देखिए थ्री से डिवाइड हो रहा है, थ्री थ्री ज़ा नाइन और थ्री टू ज़ा सिक्स, इसका मतलब थ्री बाय टू जो है हमारा भिन्न का जोड़ हो गया। इसके आगे और भी टर्म्स रहेंगे तो इसी तरह से हमें सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। अब है भिन्न का घटाव, एक फिर है मिश्रित भिन्न जब रहे तो, देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न जब रहे तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। एक प्रोसेस तो ये है कि हम लोग इसको तोड़ करके इस मतलब इस तरह के फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कितने हो जाएंगे, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हो जाएंगे, ट्वेल्व और थ्री उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे फिफ्टीन बाई फोर, प्लस इसको फिर उसी तरह से तोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, फाइव इंटू टू टेन और प्लस टू ट्वेल्व बाय फाइव। अब देखिए फोर और फाइव का एलसीएम करना है कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे ट्वेंटी, इस फोर से फिर ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे फाइव, फाइव को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएंगे हमारे सेवेंटी फाइव, प्लस फिर फाइव से ट्वेंटी को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने हो जाएंगे फोर, और फोर को फिर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्टी एट, और हमें दोनों को प्लस कर देना कितने हो जाएंगे, वन ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया। इसको हम लोग एक तरह से और कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, तो इसको थ्री गुणा तीन बट्टा चार प्लस दो पूर्णांक दो बट्टा पाँच, ठीक है। देखिए इसका दोनों जो पूर्णांक है हम लोग इसको दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, यहाँ का थ्री और यहाँ का टू दोनों को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या बच गया, थ्री बाय फोर बच गए और टू बाय फाइव यहाँ से बच गए, टू बाय फाइव, तो ये थ्री टू फाइव हो जाएंगे प्लस। अब इसका हमें जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे भिन्न का जोड़, सेम प्रोसेस करना है हमें, फोर और फाइव का एलसीएम ट्वेंटी हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे फाइव इंटू थ्री तो फिफ्टीन हो जाएंगे, प्लस फाइव से इसको डिवाइड करेंगे तो फोर इंटू टू एट हो जाएंगे, तो फाइव प्लस ये कितने हो जाएंगे, अब पंद्रह और आठ ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी। इसको देखिए हमें मिश्रित फॉर्म में अगर लाना है तो कितने हो जाएंगे, मिश्रित भिन्न में इसको लाएंगे तो बीस से क्या करने पड़ेंगे हमें, मिश्रित भिन्न में लाने के लिए तेईस को भाग देने पड़ेंगे, और 20 से एक बार में ये भाग लग जाएगा, यहाँ पे तीन हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे इसको, तो ये इसको पूर्णांक में ले आएंगे, ये ऊपर हमारा चला जाएगा और 20 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 भी था और यहाँ पे एक भिन्न पूर्णांक है, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 पूर्णांक 3 बाय 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग मिश्रित भिन्न को भी जोड़ सकते हैं, और घटाव भी रहेगा तो इसी तरह से हम लोग इसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलिए घटाना सीख लेते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है। टू बाय थ्री माइनस थ्री बाय फाइव, कैसे माइनस करेंगे, सेम प्रोसेस है, एलसीएम करेंगे, फिफ्टीन हो जाएंगे, फिर थ्री से फिफ्टीन को डिवाइड करेंगे, फाइव इंटू टू यानी कि टेन, माइनस फाइव से फिर फिफ्टीन को डिवाइड करेंगे, थ्री इंटू थ्री नाइन, टेन माइनस नाइन यानी कि वन बाय फिफ्टीन, बस हो गया आंसर, सिंपल था, ठीक है। तो इसी तरह से हम भिन्न का जोड़ और घटाव बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।